नमस्कार आदाब, न्यूज फाइव एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। पूर्वी सिंहभूम जिले में आगामी 13 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव हेतु मतदान होने हैं। ऐसे में अधिक से अधिक वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसको लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने गुरुवार को 6 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं और सभी स्थानों में आज से लगातार चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक ये रथ घूम घूम कर आम नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनिल मित्तल ने तमाम जिले वासियों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की है। प्रोवाइड करी है वोटर अवेयरनेस कैंपेन में, हमारे साथ मिलकर सभी लोगों को अवेयर करने का दायित्व उनको दिया है, ताकि इस बार भी हम लोग एक अच्छी परसेंटेज ऑफ वोटिंग प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ सभी को हम लोग अवेयर कर सकें कि वोट के क्या महत्व है। इसके साथ साथ हम लोगों ने आज इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब्स, कैंपस एम्बेसडर्स, साथ ही साथ हमारे स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स, हाई स्कूल्स और हमारे जितने भी टाटा के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके साथ भी बैठक करी। उनको भी हम लोगों ने एक्टिविटीज़ और सभी का जायज़ा दिया कि किस तरीके से वो लोगों को अवेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ उनको हम लोग 100% अवेयर करते हुए वोटिंग परसेंटेज कैप्चर कर सकें, इसके संबंध में दिशा निर्देश दिए। अजय, जागरूकता रथ रवाना किया गया, कितने रवाना किया गया, किन किन क्षेत्रों में? जी, ये हमने 6 क्षेत्रों में रवाना किए हैं। हमने जागरूकता रथ सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये घूमेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि हम सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।